अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। आपका साक्षी मजबूत कैसे होता है, साक्षी सिद्ध कैसे होता है, साक्षी साधना सिद्ध कब हो जाती है? जैसे अभी आप विचारों को देख रहे हैं, तो जितना विचारों के बीच में गैप होता है, अंतराल होता है, उतना ही आपका साक्षी अधिक सिद्ध हो जाता है, मन की शक्ति उतना ही कम हो जाती है। जब विचार शून्यता पूरी तरह प्रकट होती है तब मन बिल्कुल मिट जाता है, मन मिट जाता है, मन रहता ही नहीं उस समय। जैसे आप अभी विचारों को, और इसीलिए कहा गया है कि मन माया तो एक, मन के जाल हजार। सारे अध्यात्म का सार है मन के जालों से मुक्त होना। अपने ऊपर से मन की जो गुलामी है, जो हम मन की गुलामी करते हैं, उस गुलामी से मुक्त होना। हर व्यक्ति मन का गुलाम है। तुम्हारे सारे दुखों का कारण क्या है? मन की गुलामी। और मन की गुलामी से मुक्त होने की विधि क्या है? स्वयं का मालिक होने की विधि क्या है? सच्चे अर्थों में स्वामी होने की विधि क्या है? साक्षी हो जाना। और साक्षी को सिद्ध करने का उपाय क्या है? विचारों को देखना शुरू करो। विचारों को देखना शुरू करते हो, जितना विचारों का आना कम होते, 10% विचारों का आना कम हुआ तो आपका साक्षी 10% मजबूत हो गया, मन आपका 10% कमजोर हो गया। अगर विचारों का आना 25% कम हो गया तो आपका मन 25% कमजोर हो गया। अब वो मन की शक्ति साक्षी में, स्वयं में आ गई। अगर 50% विचारों का आना कम हो गया तो मन की शक्ति 50% खत्म हो गई, अब साक्षी 50% मजबूत हो गया। अगर 90% विचारों का आना कम हो गया तो साक्षी 90% मजबूत हो गया, मन की शक्ति सिर्फ 10% बची। और धीरे धीरे करते करते एक दिन ऐसा होगा कि विचार बिल्कुल समाप्त हो गए। अब आप देख रहे हैं विचारों को, अभी तो 10% विचार बचे हैं, 90% गायब हो गए, यानी ट्रैफिक बहुत कम हो गया। एक दिन आएगा कि ट्रैफिक बिल्कुल गायब हो गया। अभी तो जो 10% ट्रैफिक बचा है आप उसको देख रहे हैं, एक दिन आएगा जब 10% जो ट्रैफिक बचा वो भी गायब हो जाएगा, यानी सड़क बिल्कुल खाली हो गई। तब आप किसको देखेंगे? तब आपकी चेतना किसको देखेगी? अब चेतना अपने ऊपर ही गिरेगी, चेतना स्वयं पर गिरेगी। जब चेतना स्वयं पर गिरेगी उसी अवस्था को हम कहते हैं स्वयं का साक्षात्कार, उसी को कहते हैं आत्मा को जान लिया, उसी को कहते हैं आत्मा को अनुभव कर लिया, उसी को कहते हैं आत्म साक्षात्कार। जब चेतना स्वयं पर गिरने लगती है, और जब चेतना स्वयं पर गिरने लगती है उसके बाद कुछ होने को बचता नहीं, फिर सब कुछ हो जाता है। यही मैं कहना चाहता था।